आज हम बनाएंगे मटर पुलाव जो कि बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। आज हम इसे बनाएंगे प्रेशर कुकर में, बहुत टेस्टी बनता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम डालेंगे 2 चम्मच घी, इसे हम तेल में भी बना सकते लेकिन आज हम बनाएंगे घी में। जैसे घी मेल्ट होगा इसमें हम डालेंगे खड़े मसाले। खड़े मसालों में मैंने सिनेमन स्टिक, स्टार एनीस, बड़ी इलायची जो हमने तोड़ लिया है ऐसे, और 2 छोटे इलायची, तो इन सबको हम डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच ज़ीरा। अब इसको हम 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छे से। 2 मिनट तक इसको भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच कूटा हुआ अदरक या फिर फाइनली चॉप्ड अदरक, और 3 से 4 ग्रीन चिली जो ऐसे बीच में से स्प्लिट कर लिया है। इसको भी अभी हम 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे अच्छे से ताकि अदरक का एक अच्छा सा फ्लेवर आए पुलाव में। जैसे अदरक थोड़े से ब्राउनिश होना स्टार्ट हुए, हम इसमें डालेंगे 2 थिनली स्लाइस्ड अनियन। तो अनियन को भी हम अच्छे से पकाएंगे जब तक ये थोड़े से सॉफ्ट और हल्का सा ब्राउनिश ना हो जाए। तो जैसे ही 3-4 मिनट बाद प्याज थोड़े से सॉफ्ट और ब्राउनिश होना शुरू हो जाए, इसमें हम डालेंगे मटर। मैंने यहाँ पे 1 कप मटर लिया है। यू कैन यूज़ फ्रोज़न मटर एज़ वेल, फ्रेश मटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे। मटर को भी हम अच्छे से पकाएंगे प्याज के साथ 3-4 मिनट के लिए। 3-4 मिनट में मटर भी अच्छे से पक जाएंगे। अभी इसमें हम डालेंगे सोक किया हुआ बासमती राइस जो हमने अच्छे से धो के 30 मिनट के लिए सोक करके रखा था। यहाँ पे 2 कप मैंने राइस लिया है। इसको भी अच्छे से मटर और प्याज के साथ मिला देंगे। फ्लेम हमने लो मीडियम ही रखा है, तो इसको अच्छे से मिला के इसमें हम डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट और 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। बस दैट्स इट, इतना ही है मसाला। इसको अच्छे से मिला देंगे। 2-3 मिनट के लिए चावल को हम ऐसे पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। 2 कप चावल के लिए मैं यहाँ पे 2.5 कप पानी यूज़ कर रही हूँ। पानी डालने के बाद गिव इट अ गुड मिक्स। अच्छे से सारा कुछ मिला दीजिए। और बस अभी लिड लगा के 1 व्हिसल आने तक वेट कीजिए। एक व्हिसल के बाद फ्लेम को ऑफ करके प्रेशर निकलने का वेट करेंगे। और बस दैट्स इट, इट्स डन। थोड़ा सा अच्छे से मिला दीजिए इसको अभी, और हमारा मटर पुलाव तैयार। तो अब इसको हम सर्व कर देंगे। बहुत ज़्यादा जल्दी बन के तैयार हो जाता है ये, तो अगर आपको लास्ट मिनट पे कुछ बनाना है तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। धनिया गार्निशिंग के लिए। आई रियली होप यू एंजॉयड दिस रेसिपी। इफ़ यू डिड देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट टू द फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।